श्रावण पुत्र दा एकादशी व्रत कथा। श्री पद्म पुराण के अनुसार द्वापर युग में महिष्मतिपुरी का राजा महिजीत बड़ा ही शांत और धर्मप्रिय था। वो धर्मात्मा था और व्यवहार में काफी शांत, ज्ञानी और दानी था। सब कुछ होने के बावजूद उस राजा के कोई संतान नहीं थी। संतान न होने की वजह से वो काफी दुखी रहता था। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी ऋषि मुनियों, सन्यासियों और विद्वानों को बुलाकर संतान प्राप्ति के उपाय पूछे। राजा के शुभचिंतकों ने ये बात महामुनि लोमेश को बताई। मुनि ने बताया कि राजन पूर्व जन्म में एक अत्याचारी और धनहीन वैश्य थे। एकादशी के दिन उन्होंने एक घोर पाप किया था, जिसका फल उन्हें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में सावन माह की एकादशी के दिन अपने तालाब से एक गाय को जल नहीं पीने दिया था, जिसकी वजह से गाय ने तुम्हें संतान न होने का श्राप दिया था। यही वजह है कि तुम अभी तक संतान सुख से वंचित हो। इसके बाद सभी ऋषि मुनियों ने कहा कि हे राजन, यदि तुम और तुम्हारी पत्नी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखे तो इस श्राप से मुक्ति पा सकते हो, जिसके बाद तुम्हारे घर में बच्चे की किलकारियां गूंज सकती। इसके बाद राजा ने सावन माह में आने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा और इस व्रत के प्रभाव से वो शाप मुक्त हो गया। इसके बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा काफी प्रसन्न हुआ और तब से वो प्रत्येक पुत्रदा एकादशी का व्रत करने लगा। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पूरे मन व श्रद्धा से ये व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये व्रत सुनने मात्र से इस व्रत का फायदा मिलता है। ऐसे में व्रती को तो ये कथा सुननी ही चाहिए, लेकिन जो व्रत नहीं कर सकते उन्हें भी ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। बता दें कि हिंदू धर्म में श्रावण पुत्रदा एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। खास तौर से निसंतान दंपत्ति के लिए ये व्रत बहुत फलदायी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महत्व के बारे में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।